सो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। गाइस, आप लोगों को थंबनेल में पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं प्रजापति सूरज चैनल। चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारा न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। उससे पहले आप लोग एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि श्रम कार्ड उन व्यक्ति को बनेगा जिनका 16 साल उम्र हो चुका है, और 16 साल के पार व्यक्ति को बनेगा श्रम कार्ड। जिनका 16 साल उम्र नहीं हुआ है उनका श्रम कार्ड नहीं बनेगा। आप लोगों को मन में सवाल उठ रहा होगा कि श्रम कार्ड है क्या? पहले तो नाम नहीं सुना था, लेकिन अब नाम सुनने को मिल रहा है। जब आप लोगों को मन में सवाल ये जरूर उठ रहा होगा, तो गाइस मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि श्रम कार्ड है क्या और उसका फायदा क्या क्या होने वाला है और श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको बनाने से आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पहले आधार कार्ड बन रहा था, तो उसमें लोगों को लग रहा था कि नहीं, आधार कार्ड तो बिल्कुल फेक है। लेकिन अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आधार कार्ड से क्या क्या फायदा हो रहा है हम लोग को। आधार कार्ड से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, जैसे कि आप लोग को बैंक में जाना नहीं पड़ रहा है और आप लोग किसी दुकान पर जाकर आधार कार्ड से पैसा वगैरह निकाल ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा आधार कार्ड का वैल्यू हो चुका है। लेकिन वैसा ही एक श्रम कार्ड आ चुका है, जब श्रम कार्ड का भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा आप सभी को और मेरे को भी। अब आप लोग को बताते हैं कि उससे फायदा क्या क्या होने वाला है। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या क्या आपका फायदा वाला है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ मजदूरों तक पहुंच सके। पोर्टल लॉन्च करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये पोर्टल श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगा। एक परस्पर संकल्प के आधार पे सबने एक संवित स्वर में ये कहा कि ये जो पहल है इसको सब लोगों ने बड़े हृदय के साथ स्वीकार किया है। असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी होगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। ई श्रम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, खेतिहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि श्रम कार्ड से हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। तो अब आपका टॉपिक आता है श्रम कार्ड कैसे बनाए। जी हाँ फ्रेंड, श्रम कार्ड कैसे बनाए। गाइस वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसी चलते मैं इस वीडियो में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ कि श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं आप अपने मोबाइल से। अगला वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीका से अपने मोबाइल से। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को नीचे में एक वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मजे